Hello everyone, myself Saveri Sargam and I am your mentor for your UGC NET Economics exam. In this particular video, we are going to discuss some questions related to stats and econometrics. यहाँ पे हम अपने stats और econometrics के जितने concepts हैं उनको revise करेंगे in a form of marathon. Hence, we are going to discuss 10 questions here. Also remember कि video के end में do share your marks. Out of 10, कितना आपने score किया? मुझे जरूर बताइएगा इन द चैट बॉक्स और इन द कमेंट सेक्शन कि आपने कितना स्कोर किया. सो लेट अस स्टार्ट विद आवर वीडियो. बिफोर गेटिंग इनटू द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट. ऑल्सो गाइज, डू ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप. हेयर वी कंडक्ट अ डेली क्विज एंड दिस डेली क्विज इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू गाइज, क्योंकि यहाँ पे आप एग्जाम रेडी हो जाएंगे by understanding a lot of quizzes. So let us start with our first question. This is a match the following kind of question. Part A says skewness, B part here is variance, C part is independence of systematic biases, F part, C, D part says F test. List 2 यहाँ पे दी गई है आपको, dispersion, random variation, ratio of variance and lack of symmetry. यहाँ पे And these are your options. So do let me know in the chat box what do you think is the correct answer. And let's start with the skewness concept. So जहाँ पे ये आपको red graph दिख रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे कोई भी skewness नहीं है. Skewness tiltness बता रहा होता है आपको. और अगर skewness नहीं होती है आपके उस आपके model में, अगर skewness है, then you will get a shifted graph. तो ये जो सिमेट्रिकल ग्राफ यहाँ पे दिख रहा है आपको वो नहीं दिखेगा इफ देर इज लैक ऑफ सिमेट्री. ऐसे ही दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ लेते हैं डिस्पर्शन का. इस सिमेट्रिकल ग्राफ से या फिर एसिमेट्रिकल ग्राफ में भी जो मीन होता है उससे रिलेटेड जो डिस्पर्शन होती है दैट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम वेरियंस या फिर स्टैंडर्ड एरर. तो ये जो वेरियंस है और द स्क्वायर रूट ऑफ वेरियंस एक्चुअली गिव्स यू डिस्पर्शन. सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, नाउ यू नो दैट वेरियंस इज एक्चुअली रिलेटेड टू द डिस्पर्शन एंड स्क्यूनेस इज रिलेटेड टू लैक ऑफ सिमेट्री. नाउ आई हैव गिवन यू टू हिंट्स हेयर. लेट मी सी द चैट बॉक्स कि आप लोग क्या आंसर दे रहे हो. So here you know skewness is matched with 4, variance with dispersion, independence of systematic biases. इसका मतलब है कि आपके variance जो है वो एक random sampling में से निकाली गई है. किसी भी चीज़ का random होने का मतलब यही है कि उसमें हमें पता नहीं है कि क्या चीज़ आएगी हमारे सामने. तो इसका मतलब वो चीज सिस्टमैटिक बायसेस को हटाता है. सिस्टमैटिक बायसेस कैसे? अगर आपका सैम्पलिंग रैंडम नहीं है तो हो सकता है कि आप अपने एक बॉल्स के सेट में से, फॉर एग्जांपल आपको कुछ ड्रॉ करना है तो आप सिर्फ ब्लू बॉल्स ही ड्रॉ कर रहे हो बिकॉज आपकी बायसनेस यहाँ पे क्या है कि आपको ब्लू कलर बड़ा पसंद है. सो इफ यू हैव अ बायसनेस टुवर्ड्स द ब्लू बॉल्स देन यू विल एंड अप मेकिंग अ सिस्टमैटिक बायस और अ सिस्टमैटिक एरर, क्योंकि सिस्टमैटिकली आप हर बार सेम ही एरर कर रहे हैं. सो दिस इज रिलेटेड विद द रैंडमनेस. सो दिस इज मैच विद 2. नाउ आई होप ऑल ऑफ यू कुड आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. द एफ टेस्ट इज मैच विद 3. इट इज रिलेटेड टू द रेशियो ऑफ वेरियंस, उसकी डेफिनेशन ही ये है. सो द करेक्ट आंसर हेयर इज बी. लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2, मल्टीप्लिकेटिव डीकम्पोजिशन मॉडल इज यूज टू, ए पार्ट सेज डी सीजनलाइज द टाइम सीरीज डेटा. कोई भी अगर सीजनैलिटी है आपके मॉडल में उसको हटाने के लिए टाइम सीरीज में इसको यूज किया जाता है. टाइम सीरीज डेटा विच इज रिलेटेड टू योर टाइम, टाइम के अगेंस्ट आप कुछ प्लॉट कर रहे हैं. बी पार्ट है आपका बिल्ट कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स.
अगर जो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स होता है उसके लिए यूज होता है मल्टीपल डीकम्पोजिशन मॉडल। टेस्ट करने के लिए होता है टेस्ट अ हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए होता है। आप स्टैट्स में अपने हाइपोथेसिस बनाते हैं एच नॉट के टर्म्स में। डी पार्ट कह रहा है एस्टिमेट योर प्रोबेबिलिटी, जो कोई प्रोबेबिलिटी होती है कोई इवेंट की होने की उसको टेस्ट करने के लिए आप यूज करते हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑल्सो गाइज, इफ यू नो द करेक्ट आंसर डू ट्राई टू अटेम्प्ट दिस आंसर इन द चैट बॉक्स। लेट अस मूव ऑन टू द कॉन्सेप्ट। मल्टीपल डिकम्पोजिशन मॉडल समझ लेते हैं। यहाँ पे जो डिकम्पोजिशन मॉडल्स होते हैं किसी भी तरीके से, दे आर यूज्ड इन द टाइम सीरीज डेटा। किस लिए? सीजनैलिटी को फैक्टर इन करने के लिए। अब ये सीजनैलिटी क्या हो सकती है? अब ये सीजनैलिटी का मतलब है कि आपको कुछ ट्रेंड प्रिडिक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल जीडीपी का, कि जो आपका जीडीपी ग्रोथ रेट है वो डिक्लाइन ही कर रहा है थ्रू आउट द ईयर। क्या होता है, डिक्लाइन तो कर रहा है ओवरऑल, लेकिन वीकेंड्स पे सेल्स जो है वो बहुत बढ़ जाती हैं क्योंकि लोग बाहर निकलते हैं, मोर पीपल आर बाइंग ऑन द वीकेंड्स, हेंस जस्ट फॉर द वीकेंड्स द जीडीपी इंक्रीजेस। बट ओवरऑल तो आपको यही शो करना था कि जो जीडीपी है वो डिक्लाइन कर रहा है। इस सीजनैलिटी को, सीजनैलिटी का मतलब जो कि एक बार ही हो रहा है, सिर्फ वीकेंड्स पे ही ऐसा हो रहा है और वीक डेज पे नहीं हो रहा है, तो ओवरऑल इम्पैक्ट खत्म करने का ये वीकेंड्स को, इसलिए हम डीकम्पोजिशन प्रोसीजर यूज करते हैं। सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, नाउ यू नो दैट द करेक्ट ऑप्शन इज पार्ट ए। लेट अस मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर थ्री। वेन द नल हाइपोथिसिस इज देयर एज अ इक्वालिटी, द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग विच ऑफ द फॉलोइंग, टाइप टू एरर, टाइप वन एरर, टाइप वन एंड टू एरर, टाइप वन एंड थ्री एरर। टाइप थ्री एरर तो आप निगेट कर ही सकते हैं, डी पार्ट को आप हटा सकते हैं। नाउ डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, ये क्वेश्चन हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं इस तरीके का, सो यू गाइस मस्ट बी एबल टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, कि यहाँ पे अगर नल हाइपोथेसिस इक्वालिटी में है तो जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो आपको किस चीज की प्रोबेबिलिटी से मिलेगा, टाइप टू एरर या टाइप वन एरर। ओके, लेट अस टेक अ मोमेंट हियर और आप मुझे बताइए कि अल्फा है इसका आंसर या बीटा है इसका आंसर। अल्फा टाइप वन एरर, और यहां पे और यू हैव गिवन टाइप टू एरर। तो क्या है इसमें से अल्फा? यू गाइज कैन टेक अ मोमेंट हियर। ऑल्सो डू लेट मी नो कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और आपको किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है। आई कैन पिक दोज टॉपिक्स हेयर। वेन यू मेक अ टाइप वन एरर, वेन योर एच नॉट इज ट्रू एंड स्टिल यू आर रिजेक्टिंग इट, एंड यू मेक अ टाइप टू एरर वेन योर एच नॉट इज ट्रू बट यू एक्सेप्ट इट। तो अगर रिजेक्ट कर दे रहे हैं आप जब वो ट्रू है, तो आप कौन सी एरर बनाते हैं? टाइप वन एरर। और अगर आप एक्सेप्ट कर दे रहे हैं, इफ यू आर एक्सेप्टिंग इट व्हेन इट इज फॉल्स, देन यू मेक अ टाइप वन एरर, टाइप टू एरर। सो डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स व्हाट डू यू थिंक इज द करेक्ट आंसर हियर। सो गाइस करेक्ट आंसर इज बी। लेट अस मूव ऑन फॉरवर्ड। इफ फॉर अ सैम्पल मीन इज स्मॉलेस्ट एंड मीडियन इज ग्रेटर देन दिस एंड मोड इज द ग्रेटेस्ट, आपकी जो स्क्यूनेस है उसके बारे में आपको बताना है। स्क्यूड टू द राइट, स्क्यूड इट इज सिमेट्रिक, स्क्यूड टू द लेफ्ट एंड डी पार्ट इज नाइदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यूड। अब आपको यहाँ पे स्क्यूनेस बतानी है। ऑल्सो फॉर अ हिंट, अगर मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड होता है
तो वहां पे स्क्यूनेस जो होती है दैट इज जीरो. सो योर मॉडल इज कंप्लीटली सिमेट्रिक. सो यू कैन एक्चुअली रिमूव बी पार्ट. ओके, एंड व्हेन देयर इज इनइक्वालिटी तब वहां पे पक्का ही स्क्यूनेस है. सो यू कैन ऑल्सो एलिमिनेट डी पार्ट. नाउ आई हैव गिवन यू अ बिग हिंट हियर एंड नाउ यू नीड टू टेल मी इन द चैट बॉक्स व्हाट डू यू थिंक इज द करेक्ट आंसर. सो सी इज योर करेक्ट आंसर. इफ इट वुड हैव बीन लाइक मीन इज द ग्रेटेस्ट, मीडियन इज स्मॉलर देन दैट एंड मोड इज द स्मॉलेस्ट, देन आपको यहाँ पे स्क्यूड टू द राइट होता. बट हेयर योर आंसर इज सी. लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद एन सैम्पल साइज इक्वल टू 200 एंड पी इज इक्वल टू 0.05, द मीन इज. तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में जो आपका मीन होता है उसकी वैल्यू होती है एन इंटू पी. सो द मीन इन द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज एन पी. And here you have been given 200 as n and p is 0.2025. So, inko multiply karke you will get your answer. And do let me know in the chat box what do you think is the correct answer. So, here the correct answer is c. So, I hope you have been answering in the chat box. Let us move on to the question number 6. The correct relationship among arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean. सो ये आपके ऑप्शन है. ए एम जी एम इज इक्वल टू ए एम प्लस एच एम, ए एम इज लेस देन एच एम, जी एम स्क्वेयर इज इक्वल टू एच एम इंटू ए एम एंड ए एम इज इक्वल टू जी एम माइनस ए एम. सो एक बार इनके एक रिलेशनशिप को देख लेते हैं ए एम जी एम और एच एम के. सो जो हार्मोनिक मीन होता है वो रेसिप्रोकल होता है, जी एम मल्टीप्लीकेशन से आता है और अर्थमेटिक मीन समेशन से आता है. लेट्स सी द रिलेशनशिप. अर्थमेटिक मीन का यहाँ पे फॉर टू पॉजिटिव नंबर ए एंड बी इज गिवन एज ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू. ज़्यादा होते तो आप यहाँ पे एन लेते एंड द समेशन ऑफ ऑल द एक्साइज दैट यू वुड हैव. ज्योमेट्रिक मीन है वो अंडर द रूट होता है ए बी. एंड हारमोनिक मीन इज द समेशन ऑफ योर reciprocals. So here we have our relationship. वहाँ से you can calculate that gm square is equal to hm into am. So coming back to our question, now you guys know that the correct option is c. C is your correct answer. Let us move on to the next question. For a moderately skewed distribution, that means the skewness is not a problem here. मॉडरेटली स्क्यूड है, स्क्यूनेस यहाँ पे एक प्रॉब्लम नहीं बनेगी. तो अप्रॉक्सीमेटली आप मीन, मीडियन और मोड की जो वैल्यूज़ हैं वो ले सकते हैं कि वो एक प्रॉब्लम नहीं बनेगी हमारे लिए. वो स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला है वो चलेगा यहाँ पे. द वैल्यू ऑफ मोड इज गिवन एज 10, द वैल्यू ऑफ मीडियन इज गिवन 20, देन द मीन इज. नाउ यू नीड टू कैलकुलेट द मीन. फॉर्मूला यहाँ पे आपको पता होना चाहिए. You guys can take a moment here and understand this particular question. And let us understand the relationship between all of these. The mode is 3 median minus 2 mode, 2 mean. So, ye formula hai and you need to put all the values here and you'll get the answer. Mode aapka 10 hai. मीडियन इज 20 एंड 2x इज योर मीन. सो टेकिंग इट टू द अदर साइड x इज 25. सो c इज द करेक्ट आंसर हियर. आई होप यू हैव बीन आंसरिंग इन द चैट बॉक्स. लेट अस मूव ऑन टू द 8th क्वेश्चन. अगेन दिस इज अ मैच द फॉलोइंग काइंड ऑफ क्वेश्चन एंड यू नीड टू टेल व्हाट इज द करेक्ट आंसर हियर. You have been given Delphi method, Dickey-Fuller test, Durbin-Watson test, student's t-test and you need to correlate this with stationarity, autocorrelation, testing significance of regression coefficient and fourth part is forecasting.
ये आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे एंड यू नीड टू मैच दीज फॉलोइंग. ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. किसी ना किसी तरीके से ये जो मेथड्स हैं आपसे पूछ लिए जाते हैं और आपसे क्वेश्चन पेपर में इन्हीं से रिलेटेड, इन्हीं से घुमा फिरा के क्वेश्चंस आ जाएंगे. सो जो डेल्फी मेथड है वो फोरकास्टिंग के लिए होता है. ऑलराइट गाइस, एंड देन यू हैव द डिक्यूफ्यूलर टेस्ट विच इज फॉर स्टेशनैरिटी. डर्बिन वॉटसन टेस्ट इज फॉर ऑटो कोरिलेशन एंड स्टूडेंट्स टी टेस्ट is for testing the significance of the regression. So it is matched with 3. So your correct option is D. So I hope you have been answering in the chat box. Let us move on to the question number 9. Dispersions are not calculated about mean, median, mode or geometric mean. So jo first question mein hum dispersion ki bare mein baat kar rahe the. Is question ka hint aapko pehle hi mil chuka hai. वहां पे हमने सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक होने के लिए किसी डिस्ट्रीब्यूशन को बात की थी. अगर सिमेट्रिक नहीं रहता है देन वी नो देयर इज स्क्यूनेस और उसके अलोंग वी वर कैलकुलेटिंग द डिस्पर्जन. सो डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स व्हाट डू यू थिंक इज द करेक्ट आंसर हियर. सो टेक अ मोमेंट हियर गाइस एंड डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स व्हाट डू यू थिंक इज द करेक्ट ऑप्शन. So I hope you have been answering. D is the correct option. वहां पे भी हमने बात करी थी कि mean, median और mode coincide कर रहे हैं एक ही जगह पे तो skewness नहीं है. तो इसी वजह से और हम यहाँ पे geometric mean जो है हमारा वो एक ऐसी चीज है जिसके along dispersion calculate नहीं किया जा सकता. Let us move on to the question number 10. Which of the following statistical measure is based on all observation? Quartile deviation, harmonic mean, range or mode? Which of the following statistical measure is based on all the observation? सारी observation को use करके कौन सा इसमें से एक statistical जो tool है हम use करते हैं. Quartile deviation सिर्फ quartiles के बीच में deviation होती है. हार्मोनिक मीन अभी हमने पढ़ा है कि सारी ऑब्जर्वेशन को लेता है और उसके रेसिप्रोकल का सम देखता है. रेंज में भी यू डू नॉट यूज ऑल द ऑब्जर्वेशन, यू आर ओनली कैलकुलेट फॉर द मीन पार्ट. मोड में भी आप ये देखते हैं कि सबसे ज्यादा बार कौन सा हमारा एक ऑब्जर्वेशन आई हुई है. सो द करेक्ट ऑप्शन हेयर विल बी बी पार्ट. दिस कंप्लीट्स योर सीरीज फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन. यहाँ पे हमने स्टार्स से रिलेटेड और रिकॉनमेट्रिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी की है. ऐसे ही फ्यूचर में भी हम ऐसे 10 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे. आई होप ये सीरीज आपके लिए काफी बेनिफिशियल है एंड कीप प्रिपेयरिंग. एंड फ्राइडे को वी विल हैव अ क्विज. लास्ट टाइम आपने बहुत इंजॉय किया था एंड दिस टाइम ऑन फ्राइडे विल हैव अ सिमिलर क्विज. So keep you on preparing and keep all the very best guys. Thank you and have a very nice day.